Hey guys, welcome back. तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरी फुल डे प्रैक्टिकल वेट लॉस इंडियन डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ। ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं 7 डेज के लिए, तो आप इजीली अपने BMR, हाइट, वेट या फिजिकल एक्टिविटीज के अनुसार अपने 0.5 to 1 किलोस घटते हुए देख सकते हैं। अगर कोई आपसे ऐसा कह दे कि आप 10 किलो 10 दिनों में घटा सकते हैं, मैं आपको ऐसा डाइट प्लान देने वाला हूँ, तो दैट इज नॉट वेरी वर्केबल, नॉट वेरी सस्टेनेबल। क्योंकि अगर आप इतना जल्दी इतना सारा वेट लॉस करेंगे, तो आप डबली उससे ज्यादा वेट गेन कर लेंगे। सो योर वेट लॉस डाइट प्लान मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड इजीली अवेलेबल। तो इसीलिए मैं सारी डिशेस को आपको प्रिपेयर करके दिखाने वाली हूँ, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच डिनर तक। उनमें कितनी कैलोरीज है, आप किस समय उनको कंज्यूम करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। ये डाइट प्लान में मैंने कार्बोहाइड्रेट का मात्रा को थोड़ा सा कम रखा है, लेकिन अगर आपको कार्बोहाइड्रेट आप कम नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। मैं ड्यूरिंग द वीडियो वो आपको बता दूंगी। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन साइन को हिट कर दें। रोज सुबह होते ही मैं और मेरे हस्बैंड ही इम्यूनिटी ड्रिंक पीते हैं। इसके लिए हम पानी में हल्दी, अदरक को ग्रेट करके और ब्लैक पेपर डाल के इसे अच्छे से बॉईल करके फिर कप में डाल के पीते हैं। कभी कभी हम इसमें तुलसी का पत्ता भी ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल गर्म पानी या फिर उसमें नींबू का रस और हनी डाल के भी पी सकते हैं। सुबह का गर्म पानी पीने से आपकी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होती है, इससे आपकी वेट लॉस एनहांस होती है और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। लेकिन चाय और कॉफी के बजाय आप ऐसे इम्यूनिटी ड्रिंक लेंगे तो वो अच्छी है। ब्रेकफास्ट के लिए हम लेंगे ओट्स। मैंने एक मीडियम साइज की 1 कप ओट्स ली है और कुछ आमंड्स डाली है और उस पर मैं डालने वाली हूँ अनस्वीटेंड दही। अमूल की दही मैंने ली है, अराउंड 50 ग्राम मैं लेंगी। ओट्स में होती है कॉम्प्लेक्स कार्ब और हाई इन फाइबर, और योगर्ट में होती है फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स, जो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप चाहे तो इसके बदले में मसाला ओट्स भी बना सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। स्वीटनेस के लिए मैंने यहाँ पे हनी डाला हुआ है, आप चाहे तो 1 या 2 खजूर भी डाल के खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट से 1.5 से 2 घंटे बाद आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज बोल की पपाया ली है। फ्रूट्स में वाटर कंटेंट हाई होने के कारण ये आपको बहुत देर तक फुल रखती है, लेकिन एक से ज्यादा फ्रूट लेने से आपकी फ्रुक्टोस लेवल हाई हो सकती है। लंच में मैं आज बनाऊंगी छोले और मूंग की दाल। साथ में लेने वाली हूँ 50 ml ऑफ दही और उसके साथ एक खीरा। एक पैन में मैंने 1 मीडियम साइज कप का पानी को गरम कर लिया है और उसके बाद मैं इस पे डालने वाली हूँ 1 बड़ा साइज का चॉप किया हुआ प्याज को। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा पकने के बाद इस पे मैं डालने वाली हूँ बारीकी से कटे हुए फूल गोभी और 1 हरी मिर्च को। फिर मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर को चॉप करके यहाँ पे डालने वाली हूँ। और सारी चीज़ों को थोड़ा सा पकाने के बाद इस पे चुटकी भर हल्दी, 1/2 टेबल स्पून ऑफ लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल के 2 से 3 मिनट तक सारे चीज़ों को अच्छे से पका लेना है। और उसके बाद यहाँ डालने वाली हूँ मैं 30 ग्राम उबले हुए छोले और 20 ग्राम भिगोए हुए मूंग के दाल। आप चाहे तो यहाँ पे दाल के जगह पे पनीर भी बना सकते हैं या फिर एग भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एग बना रहे हैं तो 2 होल एग या फिर 4 एग व्हाइट ले। और अगर आप इतनी क्वांटिटी के दाल नहीं खा सकते हैं, तो दाल की क्वांटिटी को थोड़ा कम करके वहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की रोटी या फिर 1 मीडियम साइज़ बोल की सफ़ेद चावल भी खा सकते हैं। ये फुल ऑन प्रोटीन पैक्ड डाइट होने के कारण आपकी वेट लॉस पे बहुत ही हेल्पफुल है। मेरी ये रेसिपी तैयार हो गई है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है इस पे, क्योंकि पानी का क्वांटिटी ज़्यादा होने से ये बहुत देर तक हमें फुल रखती है। और ये मैं इंजॉय करूँगी मेरे सैलड और दही के साथ। खीरे को ले लिया है, फिर हम इसमें डालने वाले हैं प्याज, अदरक और हरी मिर्च, और फिर डालेंगे हमारी मूढ़ी को या पफ राइस। मैंने थोड़ा सा बादाम डाल दिया और हमारी इजी एंड सुपर फास्ट स्नैक्स तैयार है। एक पैन में 1 मीडियम साइज टमाटर, 1 मीडियम साइज प्याज को ग्रेट करके डाल दिया है। इन्हें थोड़ा देर पकाने के बाद इस पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर दे के 2 से 3 मिनट तक मैं पका लूंगी। इन्हें तब तक पकाना है जब तक इन्हें थोड़ा सा अच्छा सा एक स्मेल निकल जाए। अच्छा सा स्मेल आने के बाद इस पे मैं डालने वाली हूँ 1 बड़ा साइज का चॉप किया हुआ प्याज
और 40 ग्राम उबले हुए मटर और सारे चीज़ों को हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है। फिर लास्ट में मैं गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक और पका लूँगी और फिर हमारी ये मटर रेडी टू ईट है। ये न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ प्रोटीन से रिच होता है और वेट लॉस के लिए बहुत ही उपयुक्त रेसिपी है। मटर के साथ मैं लेने वाली हूँ सैलड। इसके लिए मैंने टमाटर, गाजर और प्याज को स्लाइस कर लिया है। आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है आप उससे सैलड बना सकते हैं। वेजिटेबल्स में मिनरल्स और फाइबर होती है, वेट लॉस के साथ साथ सेहत को अच्छा बनाती है, इसीलिए आप हर मील में ध्यान रहे कि आप वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा ले। सोने से 3 से 4 घंटा पहले डिनर जरूर कर ले और डिनर करने के बाद भी अगर भूख लगे तो सोने से 1 घंटा पहले आप 1 कप गर्म दूध पी सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।